अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 7th क्लास का जो कोर्स है वो पूरे पंजाब में कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो जो न्यू कोर्स आया उसके मुताबिक जो इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 है, आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट नंबर 1 की जो ट्रांसलेशन है उसको देखेंगे विद अल्फाज मायनी, और जिन पैराग्राफ की आज हम ट्रांसलेशन करेंगे फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखेंगे कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है जिनका मतलब आंसर जो आज हमने पैराग्राफ पढ़े हैं उनमें मौजूद है, तो साथ ही उनको भी कवर कर लेंगे। बेसिकली जो ये चैप्टर है मैं इस वीडियो में इस कंप्लीट चैप्टर को कवर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरे चैप्टर को कवर करने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर को 2 से 3 पार्ट्स में कवर किया जाए। मतलब आज इस हो सकता है कि मैं इस वीडियो में आज आपको 3 से 4 पैराग्राफ की रीडिंग करवा दूँ विद अल्फाज मायनी, और उसके साथ जो जो इन पैराग्राफ में से आंसर मिलते होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के वो भी कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो रह जाएंगे वो देखेंगे, अगर वो कम्प्लीटली कवर होते होंगे सेकेंड वीडियो में वो भी कर लेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर को पार्ट्स में कम्प्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिही व सहाबिही वसल्लम। यहाँ पे खातमुन नबीयीन क्यों लिखा है, सबसे पहले हम इसके ऊपर गौर करते हैं। हम जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, अल्लाह के आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जो कोई भी इस बात को इनकार करता है नाउज़ बिल्ला वो काफर है, वो उसका ईमान कम्प्लीट नहीं है, मतलब मुकम्मल नहीं है, वो दोजख में जाएगा जो इस बात का इनकार करता है कि हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी है। तो नाउज़ बिल्ला जो भी कोई कहता है वो झूठ बोल रहा है, वो काफिर है, हमने उसकी बात पे यकीन नहीं करना। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। ठीक हो गया, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमने कभी नहीं ये बात भूलनी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनके ऊपर नबूवत ख़त्म कर दी गई है। तो चैप्टर नेम है द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह, लास्ट मतलब आखिरी, सरमन के मायने हैं खुतबा ऑफ रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसे खुतबा हिज्जतुल विदा भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम शुरू करते हैं अपने ट्रांसलेशन। सबसे पहले मैं यह करूँगा एक कंप्लीट सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँगा, और उस ट्रांसलेशन के दरमियान जो इंग्लिश के वर्ड आएंगे मैं आपको साथ साथ उनके मायने बताऊँगा, और जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा मैं उसका उर्दू में आपको ट्रांसलेशन भी करके बता दूँगा, और यहाँ पर वो लिखी भी हुई है। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिही व सहाबी वसल्लम डिलीवर्ड, डिलीवर होता है बयान करना, ये डिलीवर की सेकंड फॉर्म है डिलीवर्ड। ठीक है, डिलीवर के मायने क्या होते हैं, बयान करना, ये डिलीवर्ड उसकी सेकंड फॉर्म है, इसके मायने बयान किया। हीज लास्ट सरमन, लास्ट मतलब आखिरी, सरमन मायने खुतबा। ठीक हो गया, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी होगा, ऑन द 9th ऑफ जिल, इसको पढ़ेंगे हम उर्दू में जिल हिज्जा, 10 years आफ्टर हिजरत, आफ्टर मतलब के बाद, हिजरत के बाद। ठीक होगा, इन द उराना वैली, वैली कहते हैं वादी को, ऑफ माउंट अरफात, माउंट कहते हैं मैदान को या पहाड़ को, अरफात जगह है। ठीक होगा, जगह का नाम है। तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस, तो अब इसकी हम ट्रांसलेशन उर्दू देखते हैं क्या बनते हैं, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा को हिजरत के 10 साल बाद जो मैदान अरफात है उसकी जो वादी उराना है, वादी इराना है, उसमें अपना आखिरी खुतबा इर्शाद फरमाया, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक हो गया, वादी इराना क्या है, एक वादी जो अरफात के दूर से बिल्कुल बाहर मस्जिदुल नमीरा के करीब वाक़ है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ। ठीक हो गया, ये जस्ट आपको एक बताना है कि वादी इराना क्या है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी इसकी ट्रांसलेशन इस सेंटेंस की। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास हीज वर्ड्स, वर्ड्स होते हैं मतलब अल्फाज, वर क्लियर, क्लियर मतलब साफ साफ, आसान, एंड कंसाइज मतलब मुख्तसर, मुख्तसर थे, कोई मुश्किल बात नहीं थी उनमें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज आसान और मुख्तसर थे, एंड वर डायरेक्टेड टू ऑल ह्यूमैनिटी, डायरेक्ट होता है मतलब इशारा करना है, पूरी इंसानियत की तरफ इशारा करते थे। ठीक हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज थे वो आसान और मुख्तसर थे और पूरी इंसानियत के लिए हदायत याब थे, डायरेक्टेड मतलब हदायत याब या इशारा थे। ठीक हो गया, तो ये यहाँ तक होगी हमारे पास इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है
सरमन, सरमन के अभी मैंने मायने बताया आपको, खुतबा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड मतलब फरमाया, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू व्हाट आई से। लिसन के मायने क्या होते हैं? सुनना। लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर के आई विल एवर मीट यू एट दिस प्लेस आफ्टर दिस ईयर, कि मैं आपको इस जगह पे दोबारा कभी मिल सकूँ या नहीं, मैं नहीं जानता। ठीक हो गया। तो यहाँ तक इसका क्या तर्जमा बना उर्दू? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जो मैं कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं अगले साल इसी जगह तुम्हें मिल सकूँ। ठीक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला पॉइंट बताया वो ये है, इसके मतलब बताया, लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम। लाइफ हम कहते हैं ज़िंदगी को, प्रॉपर्टी कहते हैं माल को। ठीक हो गया। मुसलमानों की ज़िंदगी और माल के रिलेटेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योर ब्लड, तुम्हारा खून, ब्लड कहते हैं खून को, योर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहते हैं माल को, एंड योर ओनर, ओनर कहते हैं इज्जत को, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत, आर एज सेक्रेट, एज सेक्रेट कहते हैं मुकद्दस चीज़ को, मुकद्दस। ठीक हो गया। आर एज सेक्रेट एज, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल इसी तरह मुकद्दस है एज दिस डे, जिस तरह ये दिन, दिस मंथ, ये महीना, एंड दिस सिटी, और ये सिटी। तुम्हारा माल, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल इसी तरह मुकद्दस है जिस तरह ये दिन, ये महीना, और ये शहर मुकद्दस है। ठीक हो गया। यू विल गो बैक टू बी रिजरेक्टेड, इसके रिजरेक्टेड के मायने हैं दोबारा जिंदा करना, मुर्दे को ज़िंदा करना। ठीक हो गया। हम जानते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, क़यामत के रोज़ हमें वो दोबारा ज़िंदा करेगा और हमारे नामा अमाल का हिसाब किताब होगा। यू विल गो बैक टू बी रिजरेक्टेड टू योर लॉर्ड, इसके मायने है कि जिस अब तुम अपने रब के पास दोबारा उठाए जाओगे, उठाए जाओगे मतलब भैया कि दोबारा ज़िंदा कर दिए जाओगे। ठीक हो गया। देयर यू विल अकाउंट फॉर योर डेट, अकाउंट का मतलब हिसाब किताब होना। ठीक हो गया। डेट यहाँ पे हमारे पास क्या, माल अमाल, हमारे नामा अमाल। वहाँ तुम अपने माल का हिसाब करोगे जो तुमने ज़िंदगी में किया होगा। ठीक है। हर किसी ने अच्छे बुरे काम किए हुए ज़िंदगी में, तो क़यामत के रोज़ उनका हिसाब होगा। सो डू नाट टर्न इन टू पीपल, लिहाजा यहाँ पे सो के सो से क्या मुराद है, लिहाजा उन लोगों जैसे मत बनो, डू नाट टर्न इन टू पीपल, उन लोगों जैसे मत बनो हु गो एस्ट्रे, एस्ट्रे के मायने हैं, ये जो एस्ट्रे है इसके मायने हैं जो गुमराह हो जाते हैं, गुमराह मतलब जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं गुमराह हो गए, वो जो गुमराह हो गए, एंड किल वन अनदर, और एक दूसरे को कत्ल करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, ब्लड रिवेंज एंड यूजरी। ब्लड मतलब खून, रिवेंज आ गया बदला, और यूजरी के मायने होते हैं सूद, यूजरी के सूद, रिवेंज का मायने बदला, खून का बदला और यूजरी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज बयान किए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिहोल्ड, बिहोल्ड के मायने होते हैं देखो, मेरी बात गौर से सुनो, बिहोल्ड ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ पैगनिज्म, पैगनिज्म होता है बुत परस्ती, जहालत जिसे कहते हैं, एंड इग्नोरेंस, जहालत का दौर, आर नाउ माई अंडर फीट, आर नाउ माई अंडर फीट, देखो जहालत, जाहिलियत और जाहिलियत के तमाम रिवाज अब मेरे कदमों तले आए। इसका मतलब यह है कि वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है अब, जाहिलियत का जो दौर था उसमें जो काम किए जाते थे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ख़त्म कर दिए अल्लाह के हुक्म से। द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड, यहाँ पे आ गया ऑन ब्लड, द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड, जो खून के ऊपर पहला दावा है, आई अबोलिश, मतलब अबोलिश के मायने क्या है, ख़त्म करना, अबोलिश के यहाँ पर लिखा है ख़त्म करना, रद्द करना, आई अबोलिश, मैं ख़त्म करता हूँ इस डैट, जो के इस डैट ऑफ इब्ने रबी बिन हारिस हु वाज बीइंग नस्ड, जो के इब्ने रबी का के बेटे हारिस थे, हु वाज जो के बीइंग नस्ड मतलब नस्ड मतलब परवरिश पा रहा, जो परवरिश पा रहे थे, इन द ट्राइब ऑफ साद, ट्राइब मतलब कबीला, नर्स मतलब परवरिश पाना, ट्राइब मतलब कबीला, ऑफ साद, साद के कबीले में, एंड हुम, हुम मतलब जिसे,
हुजैल किल्ड, जिसे हुजैल ने कत्ल कर दिया था। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले अपने ही ख़ानदान का एक खून, जो रबी इब्ने हारिस के बेटे का है, माफ़ करता हूँ, जो सार्क कबीला में परवरिश पा रहा था और जिसको हुजैल ने कत्ल कर दिया था। ठीक हो गया। यूजरी इज़ फारबिडन, यूजरी मैंने पहले भी बताया, उसको कहते हैं सूद को। फारबिडन क्या मायने है यहाँ पे? मना करना। सूद क्या है? मना है। सूद होता क्या है बेसिकली? जैसे कि आप अपने दोस्तों दोस्त को देते हो 500 रुपये उधार, ठीक हो गया, और आप उसे कहते हो जब आपने मुझे वापस करने हैं, आपने 700 रुपये मुझे वापस करने हैं, तो जब वो आपको 700 रुपये वापस करेगा, जो एक्स्ट्रा आपको 200 रुपये देगा, वो बेसिकली वो सूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। तो जितने दोस्त को उधार दिया जाए, उतने ही उससे वापस लिए जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आप लोगे वो सूद होगा, वो हराम होगा। और जो सूद लेता है, इसका मतलब वो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, जो कि उसके लिए इस दुनिया में भी तबाही का बास बनेगा और आखिरत में भी। तो सूद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। एंड आई मेक अ बिगनिंग, और मैं स्टार्ट करता हूँ बाई रिमिटिंग। रिमिटिंग मैंने पहले भी बताया, माफ़ करना, मुलतवी करना, माफ़ करके दी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी सूद को ही कहते हैं, ठीक है, सूद की रकम को। विच अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब हैज़ टू रिसीव, जो उनके अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब बेसिकली उनके चचा थे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब बनता है और सूद ममनू है और मैं अब्बास, सॉरी यहाँ से आ गया, सूद ममनू है और मैं अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब का सूद माफ़ करके शुरू करता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद है वेरीली। वेरीली का मतलब होता है वाकई, ये लिखा हुआ है वाकई, ठीक हो गया, और या फिर सचमुच या हकीकी। वाकई इट इज़ रिमिटेड इंटायरली, रिमिटेड का पहले ही बताया था कि इसके मायने होते हैं, ये लिखा हुआ है मलतवी करना, ख़त्म करना। इंटायरली मतलब बिल्कुल, कम्प्लीटली तौर पे, वाकई सूद कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म कर दिया गया, मलतवी कर दिया गया, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे दो पैर यहाँ तक के पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन उर्दू के साथ, और साथ ही इनके अल्फाज मायने। अब हम एक्सरसाइज में जाते हैं, हम देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं एक्सरसाइज में, जिनके आंसर जो हमने पैराग्राफ पढ़े हैं इनमें से मिल सकते हैं, ठीक हो गया। तो पहला पैराग्राफ है, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सरमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कब दिया, ठीक हो गया। तो आंसर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक मेन पॉइंट बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में डिड आ जाए, डिड का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया, माजी में जो गुजर चुका हो उसके हवाले से पूछा गया, माजी में पूछा गया, ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन में डिड आ जाए तो आपने आंसर देते हुए वर्ब जो होता है ना, उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे यहाँ पे वर्ब है डिलीवर, तो डिलीवर की जगह क्या लगाएंगे? डिलीवर्ड। क्या लगाएंगे? डिलीवर्ड, ठीक हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर क्वेश्चन में डिड आ जाए तो आंसर देते हुए आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इसका आंसर यहीं से ही बनेगा, हज़रत मोहम्मद, यहाँ से शुरू होगा हज़रत मोहम्मद, या फिर ये इसका आंसर ये रहा, ये आ गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड, ठीक है। डिलीवर की जगह क्या आ गया? डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन द 9th ऑफ ज़िलहिज्जा, ठीक हो गया। तो यहाँ से लेके हज़रत मोहम्मद से लेके हिज्जा तक इसका ये आ गया आंसर, सॉरी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके हिज्जा तक इसका ये आंसर आ गया। तो बेसिकली जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका मुख्तसर और सिंपल सा ही जवाब देना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंथी उसका आंसर दोगे तो जितना लंबा होगा उसका आंसर उतनी मिस्टेक निकलेगी, और हम जानते हैं कि इंग्लिश में मिस्टेक के नंबर कटते हैं। आपका अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग आपके ठीक नहीं है, तो इसके भी नंबर कट सकते हैं, ठीक हो गया। तो इंग्लिश में आपने जस्ट सिंपल और छोटा जितना हो सके आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ आपका नाम क्या है, आपने कहना मेरा नाम ये है, आपको ज़रूरी नहीं है उसमें ये बताने की जरूरत पड़े कि मैं मेरा नाम ये है, मेरा नाम मेरी मामा ने रखा था या पापा ने रखा था या इस दिन रखा था, ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली मुख्तसर सा जवाब देना है, क्योंकि नंबर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के दो, तो जितना पूछा जाए उतना जवाब दे दो, ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक भी ना हो और याद करने में भी मुश्किल ना हो। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरा देखते हैं उसका आंसर मिलता है कि नहीं। व्हाट इज़ द लास्ट सरमन मेनली अबाउट, कि आखिरी खुतबा जो तकरीबन किसके मतलब था, मतलब किसके मतलब था, ये अभी हम नहीं बता सकते, अभी हम पूरा पढ़ेंगे उसको, पूरी इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमने दो पढ़े हैं, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड,
अबाउट ब्लड रिवेंज। देखो फिर डिड आ गया, तो आंसर देते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, से की जगह सेड आएगा, ठीक हो गया। तो इसका यहाँ आंसर इस क्वेश्चन में से शुरू करते हैं हम। यहाँ से लिखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट ब्लड रिवेंज। रिवेंज के बाद आपने लिखना है डैट, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, रिवेंज के बाद लिखना है डैट। फिर यहाँ आ गया इसका आंसर, डी ब्लड रिवेंज ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस आर रिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन में से हमने आंसर को लिखना स्टार्ट करना है, से की जगह सेड आ जाएगा, उसके बाद रिवेंज के बाद डैट लिखना है, डैट के बाद यहाँ से लेकर दी ब्लड से लेके रिमिटेड तक इसका आंसर है, और ये जो ब्रैकेट में है ये याद करने की और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ इसके दो शार्ट क्वेश्चन जो जो हमने आज ट्रांसलेशन पढ़ी उसी में से कवर हो गए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जब हम पढ़ेंगे फिर उनमें से भी इसी तरह देखेंगे किन क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।